हे एवरीवन, तो मेरे पास एक ड्राई फ्रूट का डब्बा था जिसपे मैं अपने ये बैंगल्स रखती थी, और अभी रिसेंटली मैंने ये नया लिया है, उसमें रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो चलो नया बनाते हैं। इसके लिए मैं चाहिए एक कार्डबोर्ड, एक मेजरमेंट टेप, एक बॉक्स और ग्लू, ग्लूगन, एक थिन कार्डबोर्ड शीट, एक फैब्रिक और एक कैची। फैब्रिक की जगह आप कोई भी अपना मनपसंद का पेपर भी यूज कर सकते हो, बट मैंने फैब्रिक यूज किया। और यहाँ पे मेरा सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि आपके बैंगल्स जिस मेजरमेंट, जिस तरीके से आप रखना चाहते हो, वैसे आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अब मैंने अपने इस बॉक्स के साइड्स को कट कर लिया है, और अब इसका सिर्फ बंद करने वाला है हिस्सा मैंने छोड़ा है। और ये जो इसके साइड्स बचे हैं, मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है यूज़ करना, और वाइट भी है। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे पूरे अपने बॉक्स का। तो यहाँ पे हमारा 27.5 समथिंग आ रहा है, तो मैंने 28 लिया है। हम हमेशा फैब्रिक को उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे ताकि इसके ऊपर ओवरलैप करके हम इसे चिपका सकें। तो यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक पे 28 पे यहाँ मार्क कर लिया है, और अब हम इसकी हाइट लेंगे। तो इसकी हाइट 4 है, तो हम मैंने यहाँ 2 इंचेस ज़्यादा लिए हैं, 1 इंच ऊपर की ओर फोल्ड होगा और दूसरा नीचे। तो मैंने यहाँ टोटल 6 इसकी हाइट ली है, और अब हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। और फैब्रिक प्रेस करने से पहले उसे आयरन करना मत भूलना, ताकि उसकी क्रीज जो है वो हट जाए। और मैंने यहाँ पे चिपकाने के लिए ये फेब्रिक वॉन्ड यूज़ किया है। आप चाहो तो ग्लू गन या कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, फेब्रिक का भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, वो फेब्रिक को चिपकाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने फेब्रिक ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है फेब्रिक से ऐसे कवर्ड बॉक्सेस, मुझे बहुत पसंद है। आप चाहो तो पेपर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बैंगल बॉक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बस आपको चाहिए तो कुछ कचरा, जी हाँ, मेरे घर वाले बोलते हैं कि कचरा जमा करके रखती हो, तो मैंने उसी जमा किए हुए कचरे से ये बनाया है। तो आप भी अपने घर पे थोड़ा कचरा जमा करके रखो। ये पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस हम हमेशा ही फेंक देते हैं, कुछ फैब्रिक छोटा मोटा बचा अच्छा प्रिंटेड, तो हम उसे फेंक ही देते हैं। तो मैंने इन्हीं सबको मिला के ही ये बनाया है, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा है। तो अब हमारा बॉक्स रेडी हो गया है, अब इसके साइड्स को हम कट कर देंगे। मेरा सीजर बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं यहाँ पे ये कटर यूज़ कर रही हूँ। अब इसे मैंने जैसे बोला था, हम ऊपर नीचे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अंदर की ओर मैंने ऐसे ही वाइट ही रखे, क्योंकि बॉक्स वाइट था, वाइट अच्छा लग रहा था। नहीं तो आप चाहो तो अंदर भी कुछ चिपका सकते हो, कोई पेपर या फैब्रिक ही, या कलर भी कर सकते हो उसे। तो हमारा बॉक्स स्टिक हो गया है, मैंने इसे टेप से भी चिपका दिया है ताकि वो थोड़ा सिक्योर हो जाए। अब इसके ढक्कन की बात करते हैं हम, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को भी हम फैब्रिक से कवर करेंगे। इसका मैंने मेजरमेंट वही 1-1 इंच ज़्यादा लिया है। अब हम इसे ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। मैंने इसे पूरा एक ही फैब्रिक से ही बनाया है, आप चाहो तो मल्टी कलर कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पे अपने बॉक्स के ऊपर का सेंटर में एक हल्का सा होल करेंगे, और उसमें अभी मैं लगाऊंगी थ्रेड, जिससे हम बॉक्स को ओपन कर सकें आसानी से। तो ये थ्रेड में मैंने एक छोटा सा मोती डाल दिया है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। आप कोई लटकन वगैरह भी लगा सकते हो, वो भी प्यारा ही लगेगा। तो इसको मैंने ऐसे अंदर डाल के अंदर नॉट बांध दिया है, और मैंने ये फैब्रिक लगाने के बाद ही किया है, ताकि दो बार मेहनत ना करना पड़े कि एक बार कार्डबोर्ड में लगाओ, एक बार फैब्रिक में लगाओ। अब इसे करने के बाद हम इसे भी अच्छे से ग्लू से चिपका देंगे। इसे भी हम टेप से सिक्योर कर देंगे। तो हमारा बॉक्स तो अब रेडी हो चुका है। ये मुझे ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा था इसके साइड साइड में लेस भी लगा दूंगी कुछ, पर मुझे सिंपल ही चाहिए था, और ऐसे ही ये बहुत सही लग रहा है, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया।
तो अब हम बना रहे हैं रोल जिस पे हम अपनी चूड़ियों को लगाएंगे। तो मैंने कॉपी के जो फ्रंट पेजेस होते हैं, फ्रंट शीट होता है, उसका यूज किया है। आपके पास रोल हो, कार्डबोर्ड रोल, तो आप वो भी डायरेक्ट लगा सकते हो कट करके, पर अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और ये मैंने बॉक्स के साइज का ही पहले काट करके और इसे रोल करके इसे टेप से चिपका दिया है। और हमारा ये रोल रेडी हो चुका है। अब इसे हम टिकाने के लिए वही जो हमारे साइड्स बॉक्स के साइड्स के कार्डबोर्ड बचे थे उसे ही हम यूज करेंगे। उसका हम कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाएंगे। और इसे मैंने यहाँ पे पूरे 8 बना के काट लिया। अगर आपका ये कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा हो तो आप 4 ही बनाओ चलेगा, लेकिन मेरा बहुत ही थिन कार्डबोर्ड था तो मैंने 8 बना के दो दो को साथ में चिपका दिया है। अब हम अपना रोल इस पे ऐसे टिका देंगे। तो पहले मैंने इन रोल्स को ऐसे रख के तो मार्किंग कर ली है कि मैं कहाँ पे वो स्टिक करूंगी। मैंने यहाँ एक गलती ये की थी कि मैंने बहुत ऊपर ये रोल चिपका दिए हैं, कार्डबोर्ड रोल्स। अगर आप थोड़ा नीचे चिपकाओगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल की कुछ चूड़ियाँ काफी स्टोन उभरी हुई आती हैं, तो अगर वो ज्यादा उभरा हुआ हुआ तो हमारा बॉक्स बंद नहीं होगा। वैसे मेरे पास तो ऐसा नहीं था, पर फिर भी इन केस अगर मैंने ऐसे कभी लिया। तो अब हमारा ये रोल स्टॉपर लग गया है। मैं यहाँ पे इन रोल्स पे फैब्रिक ही लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई शीट भी लगा सकते हो, कोई कलरफुल शीट भी लगा सकते हो, पर मैंने सोचा कि नहीं, सेम ही रखते हैं, सब कुछ ऐसे अच्छा लगेगा। और मैंने साइड्स में चिपकाया नहीं, ऐसे फैब्रिक अंदर ही डाल के इसे लगा दिया है। तो हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। तो मैंने अपने कुछ बैंगल्स इसमें रख लिए हैं और मैं अब और भी बैंगल्स ले आऊंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी इसमें रख के कि ये कैसा लग रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत अमेजिंग आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।